अमर अमशा को यहाँ क्यों रोका है? आपको मालूम तो है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो इस घर में रुके। तो अलीजे मैं क्या करूं? तुम जानती हो ना कि बीना की बेटी की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए। किसी एक फंक्शन में भी मैं नहीं गई। वो कितना नाराज हुई भी है मुझसे। तुम्हारा क्या है, तुम तो ऑफिस इतना लेट आती हो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है घर के बारे में क्या चल रहा है। सारे घर का काम तो मुझे देखना पड़ता है। रमशा को मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि मैं कम से कम फंक्शन अटेंड कर लूंगी। भाईजान की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब तो तुम वैसे भी पहले से ज्यादा लेट आने लगी हो घर पे। ना तुम्हें घर की होश है और ना भाईजान की फिक्र। मामा, आपको बताया था ना मैंने, मेरा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मेरे बॉस ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही डाली हुई है उसकी। तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? और तुम्हारे बॉस ने भी सारी जिम्मेदारी तुम पर लाद दी है। मामा, यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। आप कभी मेरे ऑफिस आकर देखें कितनी इज्जत है मेरी। पर आपको तो यही पड़ी रहती है कि मैं घर के काम क्यों नहीं कर रही। खैर, जाने से पहले भाईजान की तबीयत पूछती भी जाओ और उनको दवाएं भी दे देना। मैं इस वक्त बहुत टायर्ड हूँ। ये रमशा को बोले वो दवाई दे देगी मामू जान को, और सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो मिलती भी चली जाऊंगी मामू जान से। गुड नाइट। शुक्र है कि मैंने रमशा को रोक लिया। इस लड़की को तो होश ही नहीं है घर का। खैर, खालती सारी मेरी है। मुझे पहले ही इसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां डालनी चाहिए थी।